हेलो नमस्कार दोस्तों, हम होंगे कामयाब एक दिन। दोस्तों इसमें हम चैप्टर 2 यानी कि लक्ष्य यानी गोल, इसके बारे में बताने जा रहे थे कि किसी कार्य को करने के लिए अगर हम सत्य को अपना लें, अगर हम चरित्रवान बन जाएं, अगर हम ईमानदार बन जाएं, इसके बाद हम तय करें कि हमारा लक्ष्य क्या होगा। लक्ष्य 3 तरह का होना चाहिए, एक शारीरिक रूप से, एक मानसिक रूप से, एक आर्थिक रूप से। देखिए, हमने अगर लक्ष्य तय तो कर लिया कि शारीरिक रूप से किस तरह होना चाहिए, मानसिक रूप से भी तय कर लिया, लेकिन एक समय जाकर हम बैठ जाते हैं जहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है धन की, यानी कि हर कार्य को करने के लिए हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा। आज के वीडियो इसी पर आधारित है। तो दोस्तों, हमने अपने आप को एक लक्ष्य बनाया, एक लक्ष्य तय कर लिया कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें दुकानदार बनना है, हमें अपने आप को एक BPS या UPS की तैयारी करनी है। तो क्या हम इसके लिए सक्षम हैं? अगर मानसिक रूप से सक्षम है तो ठीक है, शारीरिक रूप से सक्षम है फिर भी ठीक है, लेकिन हमें डॉक्टर बनने के लिए उसमें लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। क्या हमारे माता पिता सक्षम हैं? हमने अपने आप को डॉक्टर बनने के लिए एक लक्ष्य बनाया, उसमें हमें लगने वाले खर्चे के लिए माता पिता तैयार हैं या कहीं से कर्ज लेने के लिए तैयार हैं? तभी हम कुछ बन सकते हैं। हमने दुकानदार बनने की सोची, क्या हमने उसमें सारा सामान डाल दिया, सारा सेटअप डाल दिया? क्या हमारे अगले माल लाने के लिए पैसा है? अगर हम किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, उसको मेले में भी हमने शेयर किया, उस प्रोडक्ट का काफ़ी प्रचार हुआ, काफ़ी बुकिंग हुआ, लेकिन अगले माल बनाने के लिए क्या हमारे पास पूंजी है? तो ये होता है आर्थिक मजबूती। तो दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि हम किसी लक्ष्य को तय करें, उससे पहले हम उस धन की तैयारी करें जिसमें हमें लगने वाली पूंजी या कितना उसमें पैसा हमें लगने वाला है, इसकी तैयारी करें। इसका हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक सज्जन ने एक छोटा गीजर मॉडल तैयार किया और उन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका प्रदर्शन भी किया, काफ़ी सराहा भी गया, कई लोगों ने ऑर्डर भी दिया कि मुझे इसी तरह का गीजर बनवाइए। लेकिन जब उस कार्य में लगे तो उन्हें अगले ऑर्डर को पूरा करने के लिए उनके पास पूंजी नहीं थी, इस तरह उनके हाथ से कई ऑर्डर विफल हो गए। ये होती है आर्थिक तंगी। एक दूसरा एग्जाम्पल है, एक सज्जन ने अपने आप को पत्रकारिता के क्षेत्र में निपुण बनाया, वहाँ पर प्रेस में जा जा के वे नौकरियाँ करने लगे और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन जब उनका अपना व्यवसाय चलाने का वक्त आया तो उनका जो व्यवसाय का रेट था काफ़ी बढ़ चुका था और वे फिर मन महसूस कर दूसरी नौकरी करने चले गए। उनका कुछ वर्ष या बहुत वर्ष उसमें बर्बाद हो गया। इस तरह लक्ष्य न बनाए जिसमें आप करने में सक्षम तो हो लेकिन आर्थिक तंगी आने की वजह से फिर आपको रास्ता चेंज करना पड़ता है। इन दोनों एग्जाम्पलों से आपको यही शिक्षा मिलती है, तो आप लक्ष्य तो बनाइए शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, लेकिन आगे की सोचिए कि क्या मैंने जिस लक्ष्य को बनाया है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेरे पास आर्थिक यानी कि धन संपदा है कि नहीं, मैं कर्ज लेने के लिए तैयार हूँ कि नहीं, उस कर्ज को भरपाई करने के लिए तैयार हूँ कि नहीं, इस सारे सोच के ही लक्ष्य बनाएं ताकि आपका बहुमूल्य समय नष्ट न हो। किसी से कर्ज लेकर व्यवसाय शुरू नहीं करें क्योंकि इसमें आप तनाव में रहिएगा और उसका ब्याज भी अधिक रहेगा, और इस तनाव में आप जितने भी मूलधन और ब्याज चुकाएंगे आपका जितना भी बेनिफिट होगा उसी में चला जाएगा। इस तरह आपका जितना शारीरिक मानसिक रूप से आप जितने भी आपने समय दिया वह बहुमूल्य समय आपका बर्बाद हो जाएगा और आर्थिक पूंजी के कारण फिर वह व्यवसाय आपका फिर से वापस लौट जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझेदारी मत कीजिए जिसके पास धन तो है लेकिन आपके जैसा अनुभव नहीं है, क्योंकि इसमें भी आप घाटे में रहिएगा, क्योंकि उसका धन और आपका अनुभव बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ जाएगा लेकिन वह व्यक्ति आप पर हावी रहेगा, कभी भी आपको निकाल सकता है। अगर आपको किसी व्यवसाय में धन की जरूरत पड़े तो बैंक से कर्ज लीजिए, कुटीर उद्योगों से कर्ज लीजिए, पढ़ाई के लिए जो भी बच्चों का लोन है उससे आप लोन लेकर पढ़ाई बच्चों का करवा सकते हैं। सरकार ने अलग अलग कई नियमों के कई बच्चों के लिए बेनिफिट दिए हैं, लोन के संबंधी बेनिफिट दिए हैं, तो आप वहाँ से ही बच्चों का पढ़ाई के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हम होंगे कामयाब का चैप्टर 2, यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से अपने लक्ष्य को तय करें, इसमें पूर्ण रूप से हम सक्षम हों, इसमें हम एकाग्रता से, बुद्धि से, धन से मजबूत हों, तभी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, तभी लक्ष्य बना सकते हैं और तभी हम सफलता पा सकते हैं।
यानी कि एक लक्ष्य बनाने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है ये अपने मस्तिष्क में डाल लीजिए, तभी आप अपने गुण को भी अपने लक्ष्य को भी आगे बढ़ा सकते हैं और इसी से हम सफलता की श्रेणी की दूसरी सीढ़ी पार कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को बने रहें, मेरे चैनल को देखते रहिए क्योंकि फिर मैं लाने वाली हूँ इसका चैप्टर 3। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो पर क्योंकि हमें है एक दिन कामयाब होना और हमें बोलना है हम होंगे कामयाब एक दिन।